आज अपन लेकर आए हैं बाकी इंटेल का प्रोसेसर जो कि 12th जनरेशन के साथ आया है। रिलीज जो हुआ था अपना 2021 में सॉन्टी है ना। सो गाइस पिछले वीडियोस में वो देखते रहे होंगे आप लोग कि PS4 का कंट्रोलर जो कि अपना था कॉपी वर्जन वाला, तो वो वाला भी चलाया और अपने जेब्रोनिक्स के साउंड 2 पीसेस थे सो उनको भी अनबॉक्सिंग किया था। बट डिफ़िकल्टी रही उसमें ये थोड़ा था कि उसकी न्यू पैकिंग थी अपडेटिंग। तो गाइस पिछले गेम वीडियोस देख लेना जिससे कि अच्छे से आपको पता चल जाए और भी साउंड वगैरह की। और PS4 का कंट्रोलर जो था अपन ने उसको कनेक्ट किया था तो वो गेम पैड में वर्क नहीं कर रहा था, उसकी वीडियो अपन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के सामने समय से। और अपन ने कहा भाई अभी जी प्रोसेसर आया हुआ है, उन्होंने कहा इसका अपन वीडियो बनाएंगे इंटेल i5 12th जनरेशन का जो कि इंटेल कोर i12400F सीरीज का प्रोसेसर है। ठीक है तो चलते हैं इस वीडियो इस पर अपन देखते हैं इसके कैसा क्या रिव्यू रहेगा और इसमें क्या क्या रहेगा। सो गाइस सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखते रहना और आप लोग लाइक करो गाइस, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो है ना। तो ये इंटेल का 12th जनरेशन का है जो कि अभी लेटेस्टली लॉन्च हुआ है और ये कोर प्रोसेसर है इंटेल। और यूट्यूब और गूगल पर भी आपने देखा होगा सर्च करके, तो जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ आता है। और इसमें आपको ये रहेगा कि गेमिंग में परफॉर्मेंस एंड रेंडरिंग सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए भी बहुत सही रहेगा क्योंकि इसकी कोर्स फ्रिक्वेंसी अच्छी है और गीगाहर्ट्स में कह सकता हूँ 2.5 गीगाहर्ट्स या 3.4 गीगाहर्ट्स है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं गाइस, जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा। और इंटेल है कोर i12th जनरेशन है जो कि इंटेल कोर i7 पहले 6, 7, 8 फिर 12th के बाद मैंने, क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी जो कि लाइव स्ट्रीमिंग में 12th और 9th जनरेशन की, अब इसके बाद 11th की भी बनाई होगी मैंने, याद होगा देख लेना लाइव सेक्शन में जाके आप लोग चैनल में। और बाकी अब 12th की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो बना रहे हैं तो ये वाली भी थोड़ी यूनिक रहेगी भाई है ना। तो इंटेल कोर आई है, डिस्क्रीट ग्राफिक्स रिक्वायर्ड दिया है इंटेल कोर। डिस्क्रीट ग्राफिक्स का मतलब ये रहेगा कि आपको ग्राफिक्स कार्ड अलग से लगाना पड़ेगा, इसमें ये ग्राफिक्स इन्वर्टर नहीं रहेंगे। ठीक है तो i5 वर्जन है और i5 12400F और LGA1700 सॉकेट से, मतलब जो सॉकेट साइज चल रहा है पहले 1150 1151 और 1155 और ये सीरीज चलती थी 4/5, और इसमें भी जो था वो अलग सीरीज चलती थी 6, 7, 8 जनरेशन में। तो ये सॉकेट्स अलग है क्योंकि ये 1700 सॉकेट्स में है तो अलग रहेगा। ठीक एंड बैक साइड देख लेते हैं, इसकी MRP दी गई है 27170 i7 का प्रोसेसर के हिसाब से है। तो अभी तो ये प्राइस डाउन हो गया है, थंबनेल में आप देख के समझ गए होंगे, और अमेजोन फ्लिपकार्ट से मैंने इसको बाय किया है क्योंकि तो इसको रिमूविंग पैकिंग हटा दी है और इसमें स्टोर से भी आपको ना मिले अमेजोन फ्लिपकार्ट से तो ऑफलाइन स्टोर से भी बाय कर सकते हैं ना। चलिए तो ये मुझे 12 से 15 के बीच में 1000 में मिल गया है जो कि अपना अच्छा रहेगा। और इंटेल कोर आई प्रोसेसर थर्मल सॉल्यूशन दिया है, ये सब इसके कंपाउंड स्पेसिफिकेशन दिए हैं जो कि प्रोसेसर के रहते हैं जनरली। और इसके बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, हम इंटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख के पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शन रहेंगे और क्या क्या नहीं रहेंगे। ठीक है कोई सीरियल नंबर दिया गया है और इसमें मेनली बात की जाए तो कोर i5 है 3 GHz नहीं, इसमें 18 MB कैश मेमोरी दी है, LGA1700 दिया है सॉकेट जो कि ठीक है। और आपको ब्रांच i5 12400F 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आते हैं, 12 लॉजिकल कोर रहेंगे। ठीक है चलिए अभी यही हो गए इतनी इन्फॉर्मेशन, चलते हैं अपन अनबॉक्सिंग करते हैं इसको देखते हैं। तो गाइस आप लोग लाइक करते रहना जब तक, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो वीडियो है ना। देखते हैं इसमें कैसा क्या फ़ैन है, CPU फ़ैन आया हुआ है और प्रोसेसर तो ये दिख ही रहा है टॉप में, देखते हैं। एंड इसके साथ ही साथ बॉक्स में और कुछ नहीं है, यही आया हुआ है मैनुअल गार्ड जो सभी इंटेल प्रोसेसर के साथ आती है। और इसका इंटेल प्रोसेसर है इंटेल स्टी कर रहा है i5 का, ठीक है भाई अच्छी बात है ओके। एंड इसके साथ ही साथ आपको आ जाता है इसमें प्रोसेसर, ठीक है तो प्रोसेसर को निकालना पड़ेगा, रुको आराम से आजकल भाई प्रोसेसर बहुत ही केयरफुली रखना पड़ता है। इसमें क्या बता रहा है, i5 12400F सीरीज का है जो कि आपका 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आता है 3 GHz में। एंड CPU की लुकिंग और देख लेते हैं अपन इसको,
अरे यार इसको रिमूव करना पड़ेगा ना। ओके सो जूमिंग नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा कैमरा में आजकल इसका। ठीक है, मुझे बेट से तो बहुत ज़्यादा लग रहा है बाकी सीपीयू फैन का। और अब मैं कह सकता हूँ टेक्नोलॉजी के साथ इन इंटेल वालों ने भी अपडेटिंग कर दिया है, क्योंकि इंटेल 12th जनरेशन में ये जो फ़ैन आ रहे हैं अब इस टाइप की लुकिंग आ रहे हैं। प्लास्टिक की बॉडी से अलग रहती है, ग्रिपिंग एंड ब्लेडिंग टाइप की, और बीच में सेंटर में आपका सीपीयू फैन 90 ऐसे 80 एमएम का रहता है। ठीक है, और इधर आपके बाद ये इसमें पिन जो कि पावर पिन दी गई है, 4 पिन कनेक्टर सीपीयू पिन दिया है और 4 सॉकेट्स दिया है। पीछे साइड थर्मल दिया है, अच्छी बात है, जो कि हीट सिंक के लिए अपन इन्हें दिया है, कंपाउंड हीट सिंक कंपाउंड दिया है। और इसमें प्ले एल पट्टीस दी गई है जो कि थर्मल के लिए कूलिंग रहती है। ठीक है, सीपीयू प्रोसेसर के लिए कूलिंग रहेगी। ठीक, और इधर 4 पिन सॉकेट दिए हैं जो कि लगाने के लिए रहेंगे, और इस टाइप के अलग ही आइडिया के हिसाब से इस बार लगाना होगा, जो कि आप 6, 7, 8 जनरेशन में लगाते हैं उसी टाइप के सॉकेट में दिया है। और साथ ही साथ इसको पावर करने के लिए इन्हें दिया है इसमें फैन का अपना 4 पिन कनेक्टर, जो कि मदरबोर्ड में लगा के आप उसको पावर दे के ऑन कर सकते हैं। और ब्रांडिंग में मैंने गौर करी ये भी बात, तो वो है भाई इसकी इंटेल की ब्रांडिंग सीपीयू फैन के ऊपर इन्हें दिए इंटेल आर, जो कि एएमडी अभी जो बना रही थी राइजन में, तो राइजन 3 और राइजन 7000 सीरीज़ और 5000 सीरीज़ के जो अपडेट अच्छे चल रहे थे, अब उनने इंटेल ने भी अपडेटिंग कर दिया है, जो कि बेटर है परफॉर्मेंस। तो भाई ब्लू टीम और रेड टीम्स का भी मैं कह सकता हूँ एक टाइप में, क्योंकि रेड टीम आपकी एएमडी रहती है और इंटेल ब्लू टीम आपकी इंटेल रहती है। ठीक, तो वो सब तो एक जनरल नॉलेज इसकी बात हो गई, चलते हैं अपन अब इसके बाद हो गया अनबॉक्सिंग में, एंड देखते हैं इसके बाद प्रोसेसर का क्या क्या रहेगा। तो प्रोसेसर का लुक देखना है एंड फाइनिंग कर रहा है क्या क्या कर रहा है। ठीक है, एंड प्रोसेसर है इंटेल कोर i5 12400F सीरीज़ का है, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ आता है। बाकी बैटर मुझे लग रहा है, पैकिंग अच्छा है और बहुत सुपर प्रोसेसर है। ठीक, सो गाइस लाइक करते रहना, वीडियो को पूरा देखते रहना और सब्सक्राइब करना चैनल पे पहली बार देख रहे हो, है ना। चलिए अब इसको अपन रख देते हैं, क्योंकि बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि भाई चीज़ें अब बहुत ज़्यादा अपडेट के साथ महंगी भी होती जा रही हैं, क्योंकि लगती नहीं है अब टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट होती जा रही है। क्योंकि पहले प्रोसेसर बहुत ही कम कोर के साथ i5 में, अब तो i9 जब से सीरीज आई हुई है जब से आपके प्रोसेसर i5 i7 के थोड़े प्राइस डाउन हो गए हैं। एंड मैं इस प्रोसेसर के बारे में थोड़ा और कहूँगा कि ये प्रोसेसर जो आपका बजट प्रोसेसर भी कह सकते हैं 12 से 15 हज़ार के बीच में आ जाएगा, और इसमें आपको 6 कोर 6 थ्रेड और 3.0 GHz की क्लॉक स्पीड मिल जाएगी, जो कि अच्छा है। सेक्शन और लेटेस्ट वर्जन है जो 2022 में लॉन्च हुआ है अभी ये, और बाकी बहुत सुपर रहा। और इसके सीपीयू फैन के बारे में भी बताऊंगा, तो वेट के लिए बहुत ज़्यादा वेट लग रहा है, जो कि है अच्छा, जो आपको कूलिंग करने के लिए सीपीयू में अच्छा देगा। और अगर आप लिक्विड कूलर भी नहीं लगाते हैं तो ये लगाएंगे तो आप इससे भी कूलिंग अच्छी बनी रहेगी सीपीयू में। ठीक है, प्रोसेसर में। ओके, तो गाइस सो आज की वीडियोस में आपको इतना पता चला गया होगा, और आप लोग देखते रहते हो वीडियोस को, पूरा देखा करो और लाइक भी करा करो, है ना, और कमेंट करा करो, और भाई सब्सक्राइब भी करा करो, दोस्तों को शेयर भी करा करो। और इस प्रोसेसर का मैं एक रीज़न भी बता सकता हूँ, अगर आप प्रोसेसर में बनाना है तो जो भी है लेटेस्ट प्रोसेसर में अपडेट करें i5, और ये जो है i5 12th जनरेशन का जो है अपना 12400F बोल सकते हैं, क्योंकि DDR5 रैम में भी सपोर्टेड हो जाएगा और DDR4 रैम में भी सपोर्टेड। इसके मुझे एक इस पर एडवांसेस अच्छे लगे, जो कि DDR4 रैम DDR5, जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में भी चल रहा है, आपका रैम चल रही है DDR5 की, जो आपकी रैम अच्छी अपडेटिंग रहेगी तो DDR5 में भी आप अपडेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो DDR5 के हिसाब से आप अपना AMD में जैसे जाते हैं तो वो बजट ज़्यादा हो जाता है Ryzen 7000 सीरीज़ में। तो अगर 12000 सीरीज़ में 12th जनरेशन की सीरीज़ में जाते हैं तो इंटेल में, तो आपको DDR5 में PC बिल्ड कर सकते हैं ना CPU को। ओके सो मिलते हैं गाइस अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ ही, और आज की वीडियोस में बाकी मैं कह सकता हूँ अच्छा रहा, ये चीज़ें पता चल गई आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस है। बाकी सीपीयू की क्वालिटी, फैन की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, जो कि अभी इंटेल ने 11th जनरेशन से अपडेटिंग कर दिया,
और बाकी तो अपन इसे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम में भी देखते रहेंगे, तो और भी कौन से आया है प्रोसेसर लेटेस्टली तो उससे भी देखते रहा करो, है ना गाइस। तो लाइव स्ट्रीम में भी आया करो, देखते रहा करो। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और लाइक करो गाइस, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू।